चलिए देखिए, मैंने आपको सेट्स में अलजेब्रा ऑफ सेट बताया था, यूनियन बता दिया था, इंटरसेक्शन बता दिया था, है ना। पर नोटिस करने वाली चीज है, समझो क्या होता है। मान लीजिए ए में कुछ एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5, बात को अच्छे समझना। और बी में भी कुछ एलिमेंट हैं, 2 3 6 7 9, बात अच्छे समझना। अभी आप समझो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 1 2 3 4 5, मतलब ए का कार्डिनल नंबर कितना है, 5, या ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5। आगे समझो, बी में कितने एलिमेंट्स हैं बताओ, बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 इसमें भी हैं। हमसे किसी ने कहा ए यूनियन बी फाइंड करो, हम जनरली सोचते हैं ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी के सारे एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन। सच्चाई भी यही है। चलो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 9, हमने अब देखो ए के सारे एलिमेंट इसमें है कि नहीं है बताओ, बी के सारे एलिमेंट इसमें है कि नहीं है। अब समझो मजे की बात यार, अगर ए के सारे एलिमेंट इसमें है और बी के सारे एलिमेंट इसमें है तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए बताइए। ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 10। सोच के देखो, अगर ए के सारे एलिमेंट देखो, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, 2 है 3 है 6 है 7 है 9 है, ए के सारे एलिमेंट इसमें है, बी के सारे एलिमेंट इसमें है, तो हम सोचते हैं कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होने चाहिए, 10 एलिमेंट होने चाहिए। आओ चेक करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन यार ऐसा नहीं है, इसमें तो सिर्फ 8 एलिमेंट है, हम क्या सोच रहे हैं, 10। तो हम गलत कहां सोच रहे हैं, हम सोचते हैं कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे, जितने ए में है, कितने एलिमेंट होंगे जितने बी में है। लेकिन आप एक बात तो सोच के देखो कि ए के सारे एलिमेंट तो हमने लिए, बी के सारे एलिमेंट तो हमने लिए, लेकिन ए और बी में ये 2 एलिमेंट कॉमन थे, मतलब इनको 2 बार होना चाहिए, लेकिन हमने सिर्फ कितने बार लिखा, 1 बार लिखा। तो ये कौन से 2 एलिमेंट कम है, जो दोनों इसमें कॉमन थे, मतलब माइनस नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ ए एज वेल एज बी। आया समझ में, क्या समझ में आया, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, जितने ए में है और जितने बी में है, सिर्फ उनको माइनस कर दो जो दोनों में कॉमन है, क्योंकि ए और बी में जिनको हम 2 बार काउंट कर रहे हैं वो सेट में एक्चुअल में 1 बार काउंट होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। समझ में आ गया। अब देखिए ए में कितने एलिमेंट थे, 5, बी में कितने थे, 5, तो कितने हो गए, 10, माइनस ए और बी में कितने कॉमन एलिमेंट हैं, 2, 10 माइनस 2 कितना हुआ, 8, 8 ही तो हैं, देखो आप कितने हैं, 8 आ गया। तो ये फॉर्मूला बन गया भैया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का ये फॉर्मूला। अब आपसे देखो 4 चीजें हैं, कोई 3 दे के 1 पूछ सकता है, चाहे ये दे दे ये दे दे ये दे दे ये पूछ ले, या फिर ये तीनों दे दे ये पूछ ले, या फिर ये तीनों दे दे ये पूछ ले, या फिर ये तीनों दे दे ये, कुछ भी एक पूछ सकता है। ये फॉर्मूला बन गया भैया। जो टाइप 5 अपन पढ़ने वाले हैं ना, उसका 60% प्रॉब्लम इस फॉर्मूले से सॉल्व होना है, और 40% के लिए 3 क्वांटिटी वाला है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये 2 क्वांटिटीज वाला देखते हैं, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, आप में कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। समझ में आ गया, मिटाएं इसको, छाप लो फॉर्मूले को, छापो छापो। देखिए आगे, अब अपने कुछ क्वेश्चंस करते हैं, समझिएगा। 60% टाइप 5 के प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएंगे इस मेथड से, ज्यादा ही हो जाएंगे, तो मैं कम बोला करता हूं हमेशा, समझ लो यार। बढ़िया क्वेश्चन बताते हैं टाइप 5 का, पहला करेंगे जैसा भी हो जो भी हो, है ना। टाइप 5 का सबसे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम करा रहे हैं, देखिएगा। देखिए टाइप 5 का प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, ए एंड बी आर 2 सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है, 28,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है 32। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ ए एज वेल एज बी कितना है 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन ए यूनियन बी। देखो मैंने कहा था ना ये मांग रहा है, क्या होता है इसका फॉर्मूला भैया, मैंने पढ़ाया ना अभी एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना, आया समझ में। देखो ध्यान से, समझिए एन ए का वैल्यू कितना 28, एन बी कितना 32, इंटरसेक्शन कितना 10। 28 एंड 32 कितना 60 माइनस 10 कितना आएगा बोलो 50। क्या प्रॉब्लम है, आ गया समझ में, छाप लीजिएगा एन ए यूनियन बी कितना आ गया बोलो 50 आ गया 50। समझ में आया बनेगा। चलो फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आपका, चलो अगला देखो, मिटाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड एकदम है ना, बहुत इजी मुझे भरोसा है सबसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब मैं बता रहा हूं आपको थर्ड प्रॉब्लम। इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, मतलब टोटल ग्रुप कितना है ए यूनियन बी, कितना है बताओ 400 है, ठीक है। 250 कैन स्पीक हिंदी, मतलब ए, हिंदी को बनने ए बोल दिया, ए बोलने वाले कितने हैं 250, और क्या बोलता है, और 200 कैन स्पीक इंग्लिश, मतलब बी बोलने वाले कितने हैं 200, ठीक है। आप बताइए कितने लोग हैं जो दोनों बोलते हैं, मतलब ए इंटरसेक्शन बी मांग रहा है, क्या मांग रहा है ए इंटरसेक्शन बी, क्या होता है यार फॉर्मूला ए इंटरसेक्शन बी का, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। चलो देखो यार ए के कितने हैं 250, बी के कितने हैं 200, यूनियन कितना है 400, 450 माइनस 400 कितना आ गया भैया 50 लोग हैं जो दोनों बोल लेते हैं, हम लोगों जैसे है ना, 50 लोग हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल लेते हैं, आ गया समझ में, क्लियर। चलो छाप लो यार, थर्ड बता दिया, अब कौन सा बता दें, फोर्थ बन जाएगा आपसे, कि बताएं फोर्थ, कुछ थ्योरम्स होती हैं, ठीक है ना, समझिए। देखिए मिटाएं, अब देखिए प्रॉब्लम नंबर फोर, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसलिए बता देते हैं। नंबर ऑफ यू कितना है 700 है, नंबर ऑफ ए कितना है 200 है, बी कितना है 300 है, और ए इंटरसेक्शन बी कितना है 100 है, ठीक है, समझ लो यार। यू कितना है बताओ टोटल 700, ए कितना है बताओ 200, और बी कितना है बताओ 300, ठीक है, और ए कॉमन कितना है बताओ 100। आपको फाइंड करना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, क्या फाइंड करना है ए डैश इंटरसेक्शन क्या बी डैश। आपको मैंने ये कॉम्प्लीमेंट्स के थ्योरम्स नहीं बताए हैं, डी माइवर थ्योरम वगैरह होते हैं है ना, वो मैं बता देना चाहता हूं, ये जो कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह के थ्योरम है, करीब चार थ्योरम है, वो आपको रटने हैं, ठीक है ना, कई जगह एलिमेंट्री हो क्या वेरीफाई करने को आएगा, तो मैंने सोचा वहीं प्रूफ कराने के साथ बता दूंगा, ठीक है ना, इसलिए घबराना नहीं है। आपको फाइंड करना है ए डैश इंटरसेक्शन क्या बी डैश। टोटल कितने लोग हैं 700 लोग हैं, 200 लोग समझ लो हिंदी बोल रहे हैं, और 300 लोग क्या बोल रहे हैं इंग्लिश बोल रहे हैं, और 100 लोग जो है दोनों बोल रहे हैं, बात समझना। सबसे पहले फाइंड करें वो कितने लोग हैं जो बोलने में शामिल है, क्या पता करना अपन को, वो कितने लोग हैं जो बोलने में शामिल हैं। भाई 700 तो लोग हैं, कुछ ऐसे होंगे जो कुछ ना बोलते होंगे है ना, समझिए, तो कितने लोग हैं जो इनमें शामिल हैं, तो इसका फॉर्मूला होगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। समझिएगा एन ए कितना है 200 है, ठीक है, एन बी कितना है 300 है, और दोनों वाले कितने हैं 100, तो एन ए यूनियन बी कितना आएगा बताओ, एन ए यूनियन बी आएगा 500।
500 लोग हैं जो इस बोलने वाले कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 200 लोग तो फालतू हैं। कॉलोनी में 700 लोग हैं जो 200 लोगों का रहना ना रहना सब बराबर है, 500 लोग ही हैं जो एक्टिवेट मोड पे हैं। समझ रहे हैं बात को? 500 में भी 200 क्या है अंग्रेजी बोलते हैं, 300 क्या है हिंदी बोलते हैं, और 100 दोनों बोल लेते हैं, ठीक है ना। समझिएगा, इतने लोग ही हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। क्या फाइंड करना आपको? नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन क्या बी डैश। बात को समझिएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब हुआ नंबर ऑफ ए डैश प्लस नंबर ऑफ बी डैश माइनस नंबर ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश। समझिएगा बात को, ए डैश यूनियन क्या बी डैश, मतलब क्या हुआ इसका, इसको समझिएगा, ए डैश यूनियन क्या बी डैश, ठीक है। समझना, ये अपने पास ए इंटरसेक्शन बी है, हमको चाहिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल में नंबर ऑफ ए यूनियन बी होल डैश, ठीक है ना। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी होल डैश। आया समझ में? ए डैश डी मायवर्स थ्योरम से होता है। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी डैश। अभी मैं आपको थ्योरम्स फॉर कॉम्प्लीमेंट पढ़ाऊंगा तो उसमें ये चीज आपको मिलेगी। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी डैश। हमारे पास ए यूनियन बी है, कितना है ए यूनियन बी? 500 है। समझ के देखिए, अगर ए यूनियन बी 500 है तो ए यूनियन बी डैश कितना होगा? टोटल कितने लोग हैं? 700। यूनियन में नंबर्स कितने हैं? 700। और ए यूनियन बी में नंबर्स कितने हैं? 500। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 200। क्या हुआ कॉम्प्लीमेंट बताइए? 200। जी कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट शामिल किए जाते हैं जो सेट में ना हो, लेकिन किस में हो? यूनिवर्सल सेट में हो। समझिएगा, सबसे पहले हमने क्या निकाला, हमको ये फाइंड करना था ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी होल डैश। मतलब हमको पहले ए यूनियन बी फाइंड करना था। इंटरसेक्शन गिवन था, ए गिवन था, बी गिवन था, मैंने क्या फाइंड कर लिया? ए यूनियन बी फाइंड कर लिया। कितना आया? 500। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा? 200। और इत्तेफाक से ए यूनियन बी डैश को हम क्या बोलते हैं? बाय द थ्योरम ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंड वी नो दैट, क्या पता है अपन को? ए यूनियन बी होल डैश क्या होता है? एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 200 आ गई। आ गया समझ में? छाप लीजिएगा, क्या प्रॉब्लम है बोलो, बन जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन क्या बी डैश, बनेगा? चलो आगे ध्यान दो, फोर्थ प्रॉब्लम भी हो गया। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है, इस फॉर्मूले से अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट देखिए, अब मैं बता रहा हूं आपको सेवेंथ क्वेश्चन, ठीक है ना, फोर्थ के बाद क्या सेवेंथ, छापने का काम जरूर कर लीजिएगा, है ना, स्क्रीन पॉज करके छाप लिया करो, ठीक है। आगे बात करते हैं, प्रॉब्लम नंबर सेवेंथ। इन अ स्कूल देर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथ्स और फिजिक्स, मैथ या फिर फिजिक्स, मतलब यूनियन या तो मैथ या फिर क्या फिजिक्स, और मतलब यूनियन, और मतलब क्या यूनियन, ठीक है। आउट ऑफ दीज 12 टीचर्स मैथ्स, मैथ्स वाले कितने हैं? 12, ठीक है, एंड 4 टीचर्स फिजिक्स एंड मैथ्स, 4 टीचर्स फिजिक्स एंड मैथ, मतलब मैथ्स भी, और मतलब इंटरसेक्शन, एंड मतलब इंटरसेक्शन, और मतलब यूनियन। जो यूनियन है प्रेजेंट है या तो मैथ्स का होगा या फिजिक्स का होगा या दोनों का होगा, ठीक है ना। जिसने बोला ना कि मैथ एंड फिजिक्स मतलब इंटरसेक्शन, मैथ और फिजिक्स मतलब यूनियन, याद रखिएगा, ये प्रोबेबिलिटी में बहुत काम आता है। मैथ और फिजिक्स मतलब यूनियन, मैथ एंड फिजिक्स, मैथ्स ही पढ़ाता है एंड फिजिक्स ही पढ़ाता है, मतलब दोनों है, कॉमन है, ठीक है। क्या फाइंड करना है? हाउ मेनी टीच फिजिक्स, नंबर ऑफ फिजिक्स फाइंड करना है। सिंपल है यार, हम सब जानते हैं नंबर ऑफ एम यूनियन पी इज इक्वल्स टू नंबर इन मैथ्स प्लस नंबर इन फिजिक्स माइनस नंबर इन फिजिक्स एंड मैथ्स। चलिए देखिएगा, यूनियन कितना है? 20 है, मैथ्स का 12 है, और दोनों का कितना है? 4 है।
ट्रांसपोज कर दीजिए, फिजिक्स का कितना होगा 12 होगा, कितना होगा फिजिक्स का 12, 12 माइनस 4 8 होता है, 8 उस तरफ जाएगा 12 आएगा, समझ में आ गया, बन जाएगा। तो इससे ना टाइप 5 के 60% प्रॉब्लम आपसे हो जाएंगे जो इस फॉर्मूले पे बेस्ड है, आया समझ में, 60% प्रॉब्लम इससे हो जाएंगे, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल की बात नहीं है, बन जाएगा। ये फॉर्मूला लगना है सिर्फ ये यूनियन इंटरसेक्शन वाला। सेवेंथ बता दिया मैंने आपको, मुझे लगता है यार ये लगभग 15 तक तो दो का ही है, 16 से मुझे लगता है ये प्रॉब्लम स्टार्ट होंगे, तीन वाले 16, 17, 18, 19, 20 पांच प्रॉब्लम है, एक से लेके 15 तक ना आपको दो दो वाले ही मिलने हैं लगभग, ठीक है ना, कुछ बीच में एक दो मिक्स होंगे, घबराना नहीं है, ठीक है। इस तरीके से टाइप 5 के ये वाले प्रॉब्लम आपसे सारे बन जाएंगे, एक से लेके 20 तक में जितने भी प्रॉब्लम दो क्वांटिटीज वाले हों वो आप बना लीजिएगा, और बाकी जो आपसे नहीं बनते उनको अंडरलाइन कर लीजिएगा, गोला मार लीजिएगा और मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है ना। कल अपन पढ़ेंगे टाइप 5 के तीन तीन वाले प्रॉब्लम, और साथ ही साथ वेन डायग्राम भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। कल की क्लास में देखना, आप वेन डायग्राम भी मिलेगा और साथ ही साथ आपको ये 3-3 वाले भी मिल जाएंगे, ठीक है, नोट कर लो। चलो